हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रज्वल किशोर गेमर्स। तो गाइस आज हम लोग माइनक्राफ्ट में ट्राई करने जा रहे हैं कुछ टिकटॉक हैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ। कहेंगे वीडियो कहाँ है, टच में, हाँ वीडियो फर्स्ट पर्सन आ गया गाइस। तो फर्स्ट पर्सन में मैं आ चुका हूँ, तो चलते हैं पहले हैक ट्राई करने। पहला हैक हमारा नहीं TNT से गाइस। पहला हैक है, आपने तो देखा ही होगा ये वो बड़ा वाला, कौन सा ऑब्सीडियन वाला डिस्पेंसर वाला लॉन्चर जो आपको कहीं भी उड़ा देता है, उसका ये सस्ता वर्जन है गाइस। पर ये भी अच्छा उड़ाता है गाइस। आप इसे आपके सर्वाइवल वर्ल्ड में अच्छी खासे प्रोटेक्शन वाले आर्मर से ट्राई कर सकते हो। और एक लीवर चाहिए गाइस, लीवर। तो गाइस लीवर ऑन करते ही हम हवा में उड़ने लगेंगे। देखा गाइस हम हवा में उड़िए, इसे आप हम आपके सर्वाइवल ट्राई कर सकते हो। तो हम सेफली लैंड हो गए हैं। तो चलिए अगली हैक की तरफ बढ़ते हैं, इस जगह पर करते हैं। थोड़ी प्लेन है, हाँ इसके लिए भी हमको स्टिकी पिस्टन चाहिए गाइस, और कोई भी ब्लॉक, रेडस्टोन यहाँ होगा, हाँ रेडस्टोन मिल गया है गाइस, और एक लीवर, बस इतनी ही चीज़ों से। नहीं 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 मैं भूल गया, ट्राइडेंट चाहिए गाइस, ट्राइडेंट चाहिए और चैनलिंग वाला कुछ CHANN, हाँ आ गया गाइस चैनलिंग आ गया, बुक और एनविल चाहिए, एनविल तो यहीं मिल जाएगा गाइस। हाँ बस received 150 rupees कुछ नहीं, ब्लॉक प्लेस करना है पहले, उसके ऊपर नहीं इसके बाद ही थोड़े से ब्लॉक्स प्लेस करने हैं यहाँ। आपको अभी एक स्टिकी पिस्टन और नहीं ऊपर की ओर से गाइस स्टिकी पिस्टन, और यहाँ बाजू में रेस्टोन डाल लेना है गाइस, सॉरी रेस्टोन। हाँ मैं तो एक चीज़ भूल गया, लाइटनिंग रॉड गाइस, लाइटनिंग रॉड भी हमको चाहिए होता है इस हैक में, थोड़ा क्राउच करना पड़ेगा। हाँ लग गया गाइस, हाँ अभी हमको चैनलिंग वाला ट्राइडेंट चाहिए, तो हम एनविल डालकर चैनलिंग वाला ट्राइडेंट बना लेते हैं पहले ही, चैनलिंग वाला ट्राइडेंट हाँ बन गया है गाइस। अभी हमको इसके बीच में रखना है गाइस, एकदम बीच में, हाँ हो गया गाइस। आप एक भी डाल सकते हो, मैं क्रिएटिव में हूँ तो थोड़े ज़्यादा डाल रहा हूँ, पैसा बहुत है गाइस हमारे पास, मैंने इतने सारे डाल दिए, अभी बस करता हूँ, अभी मैं प्लेट डाल दूँ, हाँ स्टॉप कर गया, और अभी रेस्टोन डाल लेता हूँ, रेस्टोन हाँ पूरा, हमको फिर इस स्टेशन से क्यों कनेक्ट करना है, अरे इससे क्यों कनेक्ट हो रहा है, सॉरी गाइस मैंने रॉन्ग बना दिया थोड़ा सा, हमको ये ब्लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे फिर से, हाँ तोड़ दिए, हमको थोड़ा और थोड़ा सा लंबा बनाना है गाइस, यानी कि बड़ा, हाँ यहाँ से इतने ब्लॉक्स और बाजू में एक ब्लॉक, हाँ अब आपको रेस्टोन डाल लेना है गाइस, ऐसे ऐसे ही डाल लेना गाइस, और यहाँ से करेक्ट इस लीवर को फिर से कनेक्ट कर दे जैसे, और अभी आपको लीवर लगा कर लाइक थंडरस्टॉर्म वाला वेदर लगा देना है गाइस, ये चल करने का। अरे यार ट्राइडेंट तो मैंने एक्यूब कर लिए लगता है, फिर से रखते हैं, अभी होगा गाइस। देखो गाइस हो रहा है, हमारा ये भी वर्क कर गया, आप क्यों नहीं वर्क कर रहा, अरे यार करेक्ट उसके बीच में रहना चाहिए गाइस वो, तो वरना कलेक्ट नहीं होगा। तो मैं और एक बीच में डालने के लिए ट्राई करता हूँ, एग्जैक्ट बीच में, उसके बाद में गिर रहे लगते हैं गाइस मेरे गाइडेंस, हाँ कर रहा है अभी वर्क कर रहा है।
लगता है गाइज हमारा वर्क कर गया है या नहीं वर्क करा, ये पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा है गाइज हमारा ये। कोई भी नहीं कहेगा कि ये वर्क नहीं कर रहा है, वर्क किया है ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली लाइफ हैक की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए ये कार्मा स्टैंड जो कि मैं अभी ले रहा हूँ, और एक स्टिकी पिस्टन तो चाहिए ही है। पहले आर्मर ले लेता हूँ, मैं डायमंड आर्मर लूँगा गाइस क्योंकि नेदरराइट आर्मर बिना इंचेंट किए अच्छा नहीं दिखता। तो आपको एक प्लेयर का हेड भी चाहिए गाइस, प्लेयर का हेड आपकी मर्ज़ी, आप आर्मर डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और स्टिकी पिस्टन नहीं, मामूली पिस्टन, और एक लीवर चाहिए गाइस, लीवर ले लेते हैं गाइस हम लीवर भी। और क्या चाहिए मैं भूल गया थोड़ा सा, हाँ मेन चीज़ तो वही है, कौन सा आयरन बार्स और एंड रॉड चाहिए गाइस, एंड रॉड आर वो डी रॉड आएंगे तो आ जाएगा, हाँ एंड रॉड आ गया है गाइस। तो चल दें वेदर क्लियर करते हैं पहले, इतना बकवास वेदर नहीं चाहिए मुझे। तो आपको पहले आर्मर स्टैंड प्लेस कर लेना है और पोज दे देना है गाइज, नहीं अरे यार टूट गया, कोई बात नहीं पहले ये डाल देते हैं, अरे इसे तोड़ देना है गाइज, नीचे का टूट गया पर नीचे का तोड़ना ही था गाइज, तो टूट गया तो अच्छी बात है। और नीचे एंड्रॉड लगा देना गाइज बस, और आप ना पहले पिस्टन लगा देना पीछे एक ब्लॉक के पीछे, अरे यार एक गलती से लग गया गाइज, गलती से लग गया इसके पीछे ही, एक ब्लॉक के पीछे ही, हाँ यहाँ पिस्टन और यहाँ बाजू में लीवर लगा लेना गाइस। लगाने के बाद आपको ये आर्मर स्टैंड प्लेस कर देना है गाइस, वहाँ नहीं वहाँ, अरे यार भाई मिस्टेक क्लिक हो जाता है, हाँ यहाँ प्लेस कर देना है। और आपको आर्मर फैलाने फैलाने गाइस, और प्लेयर का हेड उस पोज में, थोड़े लोगों को तो समझ में आ जाएगा, अभी हमको पोज करना है, हाँ पोज ये वाला कौन, हाँ ये वाला गाइस पोज हो गया है। अभी आपको कुछ नहीं, लीवर से ऐसे फ्लिक करना है और लीवर तोड़ दें, देखो गाइस हमारा सोल्जर यानी कि वॉरियर कंप्लीट हो गया है। आप इसे डेकोरेशन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।